फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का दो तरह से पकौड़ा। एक बनाऊंगी मैं कम तेल में और एक डीप फ्राई करके। दोनों ही नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने लौकी लिया है। लौकी को मैं आधा काट लूँगी। तो अगर आपको लौकी का फ़ायदे नहीं पता है तो आप, अगर आपका बाल झड़ रहा है या तो पेट में कब्जियत है या तो वेट कम करना है तो आप लौकी का जूस बनाकर पी सकते हैं। और जिनको कब्जियत का प्रॉब्लम है तो वो लौकी का जूस ज़रूर पिए। तो यहाँ पर मैंने छिलका निकाल लिया और अच्छे से मैंने इसे धो लिया है। तब मैं इसे मोटे वाले भाग से कद्दूकस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है। नॉर्मल चावल है जो डेली मैं यूज़ करती हूँ, वही चावल है। इसे मैं अच्छे से धोकर अब भिंगोने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए चावल है जो अच्छे से फूल गया है। तो इसका जो पानी है मैं निकाल लेती हूँ, ये देखिए। तो इसे मैं मिक्सी में डाल लेती हूँ। तो इसमें दो मैं हरा मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। और इसे मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है बिल्कुल ही पतला। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसे कद्दूकस किया हुआ लौकी में मैं डाल देती हूँ। अगर आप चावल भिंगोना भूल गया है तो इसमें आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। आधा कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन डाला है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इसमें मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है और इसमें आधा चम्मच मैंने भुंजा हुआ मसाला डाला है। तो सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। और अजवाइन आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये आप ज़रूर इसमें डालें और सेहत के लिए भी अजवाइन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाऊंगी और हाथ से मैं इस तरह से फैला दूंगी। ऐसे पकाते वक्त मैंने गैस को मीडियम ही रखा है और दोनों तरफ से अच्छे से उलट पुलट के मैं इसे पका लूंगी। अगर आप गैस को ज़्यादा रखेंगे तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं पकेगा और ये खाने में भी क्रिस्पी नहीं लगेगा और ये अंदर तक कच्चा ही रह जाता है। इसे मीडियम गैस पर ही उलट पुलट कर इस तरह से आप पका लें। तो दोनों तरफ अच्छे से हो गया तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तब मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा इस तरह से मैं डाल रही हूँ और यहाँ पर भी मैंने गैस को मीडियम ही रखा है। तो इसे दूसरी तरफ मैं पलट लेती हूँ और इसे भी उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तल लूँगी। दोनों ही तरीके से आप बनाकर इसे देखें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो इसमें कच्चे चावल है ना, उससे इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और कम मसाले से जो लौकी में टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये खाने में आपको बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। तो इसे आप गरम गरम ही सर्व करें। तो एक बार आप मेरे तरीके से लौकी का पकौड़ा आप ज़रूर बनाकर देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।